हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 32 साइज़ का बैक नेक डिजाइन शेयर करूँगी। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ब्लाउज़ की लेंथ यहाँ पर 14.5 इंच ली है। तैयार ब्लाउज़ 13.5 इंच है, तो लेंथ में हमें 1 इंच प्लस कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और डीप नेक के अकॉर्डिंग देखिए, शोल्डर मैंने यहाँ से 5 इंच रखे हैं एंड आर्म होल्स यहाँ से 5.5 इंच रखे हैं। तो अभी देखिए, जो इसमें हम डिजाइन बनाएंगे उसके लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नेक लेंथ के लिए 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नेक लेंथ यहाँ से देखिए, आप थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इन निशान्स को देखिए, हम सीधा स्ट्रेट मिलाएंगे। अभी देखिए, जो हम डिजाइन बनाएंगे उसके लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर एक निशान देखिए हम 7.5 इंच के करीब लगाएंगे और यहाँ से देखिए इसमें गोलाई करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, आपको नेक का शेप बना लेना है। इसके बाद देखिए, इसके नीचे की तरफ देखिए हम एक डिजाइन बनाएंगे। और तो इसके लिए देखिए, एक निशान हम 2.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर देखिए चौड़ाई में ये निशान हमें 1 इंच पर लगा लेना है। और इसमें देखिए, यहाँ पर हम ड्रॉप स्टाइल का जो शेप है वो ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो सेम इसी पैटर्न को देखिए, हमें बुकरम के ऊपर भी ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर बुकरम के ऊपर ड्रॉ करके इसको कट कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अभी देखिए, यहाँ पर हमें अस्तर वाले फैब्रिक को रखना है और अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर जो हमने ये बुकरम कट करके रेडी किया है, इसको देखिए हम आयरन की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो बीच सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें रखकर इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया है। और ये देखिए, यहाँ पर ब्लाउज़ की सीधी साइड है कपड़े की, इसके ऊपर देखिए हमें इस फैब्रिक को रखना है। और ध्यान रहे, जो हमने ये बुकरम पेस्ट की है ये ऊपर की साइड होनी चाहिए। यहाँ से कपड़े को पिनअप करेंगे और पहले देखिए बीच सेंटर में हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई यहाँ पर लगाएंगे ताकि जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है यहाँ पर ये फिक्स हो जाए। कच्ची सिलाई लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें पूरे ही नेक में देखिए यहाँ पर इस बुकरम के ऊपर स्टिच लगा लेनी है। इसकी जो किनारी है इसके ऊपर देखिए हमें स्टिच लगानी है। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, पूरे ही नेक में हमें स्टिच लगा लेनी है। और ये स्टिच लगाने के बाद देखिए, इसकी जो अंदर का फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। इसके बाद देखिए, हमें पूरे ही नेक में छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अभी देखिए, इस नेक को हम पलट कर सीधा कर लेंगे। पहले यहाँ से देखिए अच्छे से इसकी जो नोक है ये निकाल लेंगे कि कोई भी आप यहाँ पर नुकीली चीज़ लेके अच्छे से इसकी जो नोक है वो निकाल लें। तो यहाँ पर देखिए, नेक को पलटकर हमने सीधा कर लिया है। अभी देखिए, पूरे ही नेक में हम एक स्टिच लगाएंगे इसकी फिनिशिंग के लिए। तो नेक हमारा देखिए यहाँ पर कंप्लीट रेडी हो गया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें जो हमारा अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक है इसको देखिए हमें चारों तरफ से स्टिच लगा के इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। और इसमें स्टिच लगाने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके यहाँ से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे।
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें बैक में प्लेट्स लगा लेनी है। प्लेट्स की लेंथ मैंने यहाँ पर देखिए 3.5 इंच रखी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें हम वेस्ट पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट की है और इसको एक बार फोल्ड करते हुए यहाँ पर इसमें हम अटैच करेंगे। इसको सीधा करते हुए इसकी किनारे के ऊपर स्टिच लगाएंगे देखिए, और इसके बाद देखिए नीचे की तरफ इसे टर्न करते हुए इसके ऊपर भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो कमर पट्टी हमारी लग चुकी है। अभी देखिए इसमें जो हम डिजाइन बनाएंगे नीचे की तरफ, इसके लिए देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रास्ट कलर में देखिए प्लेन कपड़ा लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई एंड इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है। आपको देखिए यहाँ पर स्क्वायर शेप में पीसेस कट कर लेने हैं और इसका देखिए हम ट्रायंगल बनाते हुए इस तरीके से देखिए लूप्स बनाएंगे इस तरीके से। देखिए जो हमने यहाँ पर देखिए डिजाइन बनाई है इसको हम डेकोर करने के लिए ये लूप्स यहाँ पर देखिए रेडी कर रहे हैं। इसका देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम यहाँ से कट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें बहुत सारे लूप्स रेडी कर लेने हैं। अभी देखिए इनको हम यहाँ पर देखिए अटैच करेंगे यहाँ से। देखिए इस तरीके से इनको रखते हुए इनके ऊपर हम यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। देखिए गाइस ये डिज़ाइन रेडी होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए हमें इन लूप्स को यहाँ पर देखिए अटैच कर लेना है। पूरे ही नेक में देखिए हम इनको अटैच कर लेंगे। तो मैंने देखिए इनको यहाँ पर अटैच कर लिया है और भी देखिए इस डिज़ाइन को और भी सुंदर बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखिए इस नेक में एक लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पर हम इस लेस को भी देखिए अटैच कर लेंगे। तो लेस हमने देखिए यहाँ पर अटैच कर ली है और यहाँ पर देखिए हम एक मोती लेंगे और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट रेडी हो गया है। ऊपर की तरफ हमें डोरी भी अटैच कर देनी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज़।